हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे सिकोड़ा 100 सस्पेंशन के बारे में। जानेंगे यह सस्पेंशन किस तरह से काम करता है, इसके क्या क्या यूज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट है, क्या डोज है, क्या MRP है, कौन सी कंपनी बनाती है, पूरी जानकारी लेंगे फ्रेंड्स। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगने पर उसे लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं इस सस्पेंशन के बारे में। बता दूं फ्रेंड्स, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए यह सस्पेंशन बहुत ही खास हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेंगे इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इसमें सेफोडोक्सिम 100 mg पर 5 ml मिली रहती है। अब इसकी यूज की बात करें तो फ्रेंड्स, यह एक एंटीबायोटिक सस्पेंशन होने की वजह से इसके कई तरह के इस्तेमाल हैं। कई प्रकार के तकलीफों में इसका यूज किया जा सकता है। तो कुछ मुख्यतः इस प्रकार से हैं फ्रेंड्स, यदि बच्चे को बुखार हो रही हो और वह नहीं छूट रही हो तो डॉक्टर इस सस्पेंशन को आपको दे सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसी जगह पर चोट लग गई हो और वह घाव हो जा रहा हो, नहीं छोड़ रहा हो, तो उस घाव को सुखाने के लिए, उससे आराम पाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आँख में कुछ लग गया है और लालिमा हो गए हैं तो उसमें भी उस लालिमा को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि शरीर में लाल लाल दाने हो रहे हैं और खुजलाहट हो रही है तो एंटी एलर्जिक ड्रॉप के सिरप के साथ में इस सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दूं फ्रेंड्स, यह एंटीबायोटिक सस्पेंशन होने की वजह से इसके और भी कई प्रकार के इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे कि कोल्ड में खांसी हो रही हो, निमोनिया हो गया हो, या फिर सीने से कफ हो गया हो, तो उस स्थिति में भी इस सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ठंडा में भी सर्दी खांसी में इस सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कान के अंदर कुछ लग गया हो और पक गया हो तो उससे भी आराम पाने के लिए इस सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जा सकता है फ्रेंड्स। अब इसकी डोज की बात करें तो 4 साल से लेकर 7 साल 8 साल तक के बच्चों में 5-5 ml सुबह और शाम दिया जा सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि डोज हमेशा डॉक्टर ही तय करते हैं, क्योंकि वो कंडीशन के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से डोज बताते हैं फ्रेंड्स। अब इसकी MRP देखें, इस सस्पेंशन की प्राइस रेट देखें तो फ्रेंड्स, ₹130 इसकी प्राइस रेट है। और इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं फ्रेंड्स। फिर भी यदि किसी बच्चे को सूट नहीं करता है तो उस स्थिति में इस सस्पेंशन के साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। उसमें जैसे कि कब्ज का बनना, या फिर लूज मोशन का होना इस तरह के, या फिर लाल लाल चकते भी हो जाना, रेसेस टाइप हो जाना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि बहुत ही कम होते हैं। यदि इस प्रकार की कोई दिक्कत हो, साइड इफ़ेक्ट हो, तो सस्पेंशन को तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर्स की परामर्श लें फ्रेंड्स। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।